ये जो आपका ऑथेंटिकेशन फेल का प्रॉब्लम लिख रहा है, ये जो है कि इनके सर्वर में एरर है इसलिए हो रहा है। तो आप थोड़े से रुकने के बाद फिर से आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे करिएगा, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए कि फॉरगेट पे कर दीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पे करके फिर से आप अपना यहाँ से ईमेल आईडी लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे सबमिट करिए, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तो आपके मेल पे आ जाएगा। मेल से आप आके फिर से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं किया, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसको करने के बाद मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जीमेल पे क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आ गया। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आने के बाद मेल आईडी दे देगा, आपका स्टेट दे देगा और यह पासवर्ड दे देगा। तो मैं इस पासवर्ड को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी को लिखता हूँ। मेल आईडी को लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, वही वाला पासवर्ड। कैप्चा कोड को लिखने के बाद आपका लॉगिन पे क्लिक किया। देखिए जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आपको मैं लाइव करके दिखा दिया हूँ। इसका हो सकता है आपको मैं एक शॉर्ट क्लिप बना के दे दूँ कि अगर ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। और